अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यार आज काफ़ी ज़्यादा, आज भी लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यार, थोड़ी मसरूफियात चल रही है इस वजह से लेट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं अपना लैपटॉप ऑन किया है वीडियो अपलोड करने के लिए। अब करेंगे हम लोग वीडियो अपलोड और फिर जाएंगे सीधा शॉप। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फाइनली वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, ये रहा ये फर्स्ट वाला, अभी अभी अपलोड किया है, 1:30 बजे वीडियो अपलोड होता है। आप लोग जाके देखें, लाइक कमेंट जरूर करना। चले शॉप, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, पापा भी वेट कर रहे हैं शॉप पर। अभी शॉप से फारिग होकर आया हूँ, अब जा रहा हूँ खाना खाने और फ्रेश होने। फिर फ्रेश होकर कुछ काम है मुझे लैपटॉप पे, वो पहले लैपटॉप पे अपना काम फारिग करूँगा, फिर खाना वगैरह खाऊँगा, फिर और भी काफ़ी ज़्यादा काम। मैं अभी सोकर उठा हूँ, शॉप से आके सो गया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से अभी मैं सोकर उठा हूँ, जा रहा हूँ खाना वगैरह खाने। खाना खा चुका हूँ, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ शॉप, क्योंकि मुझे उधर कुछ काम है और किसी से मिलना है, फिर वहाँ से आगे जाऊँगा कॉलेज। और यार आज ना कुछ ना लैपटॉप में मसला हो गया, वो भी सही करवाने जाना है मुझे। मैं आया हूँ थोड़ा टेरिस पर, मैंने बोला चलो थोड़ा माइंड फ्रेश करो, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। मैंने कहा कि थोड़ा माइंड वगैरह फ्रेश हो जाए, फिर फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर फिर सीधा कॉलेज चले जाएंगे। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन यार यही तो आपको बीमार करता है कि दिन में गर्मी हो रही है और फिर शाम के बाद थोड़ी ठंड टाइप हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है, सूरज तो देखो माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, जाके फ्रेश होता हूँ, फिर सीधा जाना है कॉलेज। यार कल की वीडियो काफ़ी शॉर्ट बन गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी था, मेरा बाइक ख़राब हो गया था, आप लोगों को मैंने उस ब्लॉग पे बताया भी है, इस वजह से कल की वीडियो काफ़ी शॉर्ट बनी थी। तो चलो यार बनी तो ना, भले शॉर्ट बने या लॉन्ग, डेली ब्लॉग अपलोड हो रहा है। कॉलेज टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज, कोशिश करूँगा कि आज कॉलेज की वीडियो थोड़ी सी बनाऊँ। मैं भी कॉलेज से होकर आया हूँ, फारिग हो गया। अभी मुझे अपना थोड़ा शेप वगैरह बनाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी नाई को कॉल किया था, दोस्त ही है वो, उसने कहा कि हेयर सैलून में अभी थोड़ा रश है, थोड़ी देर बाद आना, तो अब मैं जाऊँगा उसके पास, अपना थोड़ा शेप वगैरह बनाऊँ, थोड़ा चिकना बच्चा बनाऊँ। क्या नहीं क्या बोला तूने, यही पहले क्या बोला, चल चल चलो। देखे कितना खूबसूरत लग रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो। और यार अभी मैं जैसे ही आया, मुझे ना कुछ काम करना था, ना दोस्त का मैसेज आया कि वो जो वीडियो उसने मुझे दी थी वो चेक करने के लिए, वो जब मैंने चेक किया ना उसका पिक्सल ना फट गया ना, तो कुछ हो गया मसला। अभी मैं वही देख रहा हूँ कि इसमें क्या मसला हुआ है, इसको सेट करूँ, क्योंकि मुझे कल के लिए ब्लॉग एडिट करना, अगर लैपटॉप सही नहीं होगा तो ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से इसको मैं भी चेक करूँ कि इसमें क्या मसला हुआ है। अपना लैपटॉप ऑन कर दिया है मैंने, फाइनली यार सेट हो चुका है। मेन मसला क्या था, वो रेजोल्यूशन का मसला था, क्योंकि आईफोन का रेजोल्यूशन अलग था और वीडियो एडिट जो कर रहा था उसका रेजोल्यूशन अलग था, तो ना अलग अलग मोबाइल में चला रहा था तो उसमें ना अजीब सा पिक्सल फट रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट कर चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश वगैरह होने, नहाने, क्योंकि हेयर तो नहीं कट करवाया लेकिन शेप बनाया, तो आप लोगों को पता है ना कि उलझन होती है। अब मैं जा रहा हूँ सीधा फ्रेश होने, फ्रेश होकर फिर आता हूँ और अपने ब्लॉग को करता हूँ। शेप बनाकर फारिग हो चुका हूँ और लैपटॉप में हो गया था कुछ मसला, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है और मैंने खुद ठीक किया है। तो आज का भी लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नए वो शायरों वाला लड़का किताबों वाली कहानियाँ पार्ट 2 इंशाल्लाह फ्राइडे को रिकॉर्ड होगा। मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग पे बताया था, बट मेरे जो गेस्ट थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से इस फ्राइडे को हम लोग शूट करेंगे और संडे को अपलोड। सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे मैं पॉडकास्ट जब अपलोड करूँगा उससे एक दिन पहले इंस्टा पर स्टोरी लगा लूँगा, आप लोग देख लेना, और अपने टिकटॉक पर भी उसकी थोड़ी शॉर्ट्स वगैरह वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ भी जाके देख लेना।
और वैसे तो नोटिफिकेशन का कोई मसला ही नहीं है, रोज ब्लॉग में अपलोड करता हूँ और अभी तो 1 मंथ चैलेंज किया हुआ है मैंने, इंशाल्लाह वो पूरा करूँगा। इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।